स्वागत की इस कड़ी में। तो भाई प्रोजी से भी निवेदन करूंगा कि वो भाई तकरी जी से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि श्री हरिवल भाई नरसिंह जी से भी निवेदन है कि मुख्य अतिथि का माल्या अर्पण भाई सोमा और अशोक गहलोत जी के लिए क्या बोले, जितना भी किया उन्होंने बहुत मान किया है। और देखिए ऐसा तो है नहीं कि आधे सीट पे बैठे और सारा उजागर हो गया, काम करते तो धीरे धीरे करते हैं और उन्होंने जो भी कुछ किया है किया है। सीट पे बैठते तो कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है और किया उन्होंने बहुत कुछ किया है। संघर्ष जीवन है, अब कोई ऊपर चढ़ता है तो उसकी बुराई करते ही लोग, ऊपर जाने वाला कैसे जाता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन बुराई करने वाले तो बुराई करते ही है। हमारे अशोक गहलोत जी बहुत महान है और महान ही रहेंगे। जय महाराज जय महाराज। करते हैं 22 किलोमीटर दूर करी गाँव में, उनका मकान वकान बड़ा अच्छा दिखने पाया, तो गहलोत साहब रुके उसके मकान में गई नहीं और जाके सारा सब कुछ देख के योगा ठीक है इनका बहुत गरीब पहचान किया होता है ऐसा कुछ किया। तो फिर गहलोत साहब वहाँ से निकल के जाहिर आ गए, वहाँ अपनी माता जरा करके जयपुर आ गए। जयपुर आ गए तो उनके पता नहीं क्या दिमाग पहचान है, वहाँ से लिख कहते ना एक्यूरेसी कि कोई आदमी को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई इनके करीबी लोग हैं तो वो भी इनके मतलब बहुत ही ईमानदार नए लोग हैं। उन्होंने जागरूक नागौर एस टी ओपन किया, ये व्यक्ति हैं बड़े अच्छे महानुभाव हैं और बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, थोड़ा सा उनको जाहिर भी नहीं हो उनको बुरा नहीं थे जैसे बैकग्राउंड मुझे देखना कि मैं मतलब आगे क्या चांस दे सकता हूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन साहब के आदेश में आके एस पी साहब ने पूरी रिपोर्ट ली, ये वाइन्स के कारोबार में लिखते हैं और दो नंबर की बाइस का मैनट इनके भूखे ठेके भी हैं और स्मगलिंग की बाइस सप्लाई करते हैं, लेकिन गाँव में अच्छी रिपोर्ट होने लगी है प्रधान का ठीक है धन्यवाद से काट दिया। तो ये जागरूक भी है, ऐसा नहीं बिल्कुल बावड़ा राजनीति मोर्चा सन 80 के बाद में जो पहली बार एमपी बने उसके बाद तो उन्होंने तो ये कि हम सर उनके पत्र नौबत है उनकी विचारधारा को अपने और उन जैसा बनने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। कार्यशील है तो प्रधानमंत्री हो रहा है साथियों समय निकाल के जो यहाँ है वो तो कंप्यूटर कांग्रेस कंप्यूटर कांग्रेस द्वारा आयोजित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया। हर व्यक्ति के जीवन में हर वर्ष कोई कोई गीत हर व्यक्ति जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं संदेश शुभकामनाएं देते हैं अपने मानते हैं हर व्यक्ति को जिस किसी भी क्षेत्र में वह काम करता हो कोई कठिनाई आती है उसके रास्ते में कंकड़ पत्थर कांटे सभी तरह की चीज़ें आती है। अपन कभी ये महसूस नहीं करते हैं कामने दे देते हैं लेकिन अपने यदि मान लो उनके बीच में आने वाले हर्डल समस्याओं के बारे में चिंतित करें तो आज देश की सबसे बड़ी समस्या से जूझने वाले इस लोक पुरुष में गहलोत साहब से पिछले 35 वर्षों से परिचित हैं पूरे देश में और इनको राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से मिली ये भी मुझे पता है। हमारे फोटो में एक कोटा में रामकृष्ण वर्मा पूर्व मंत्री जो पूर्व मंत्री तो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इनको आगे बढ़ाया और इन्होंने आखिर तक
उनकी अंतिम सांस तक उनको गुरु के रूप में अपनाया। हर समय हर प्रश्न में इन्होंने उनको गुरु की गरिमा बनाई। आज अशोक गहलोत जी ने जो पूरे देश ने ख्याति प्राप्त की है एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में, कई बार इन्होंने राजस्थान में जब सत्ता संभाली